एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, इस टाइम मैंने बाल रुको 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 रुको। रात में मैंने ऐसे पतली पतली हाँ, चोटियाँ बनाई थी और मैं इसे खोल रही हूँ जिससे कि मेरे बालों में कर्ल आ जाए, नेचुरल। नेचुरल कर्ल। और कशिश मेरी इसमें हेल्प कर रही है, कशिश मेरी ये चोटियाँ खोलने में हेल्प कर रही है। तब तक मैं अपना फेस मेकअप कर लेती हूँ। और आज हम लोग अब शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हैं और थोड़ा बहुत आउटिंग करेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी ये मुराद का ऑयल कंट्रोल SPF 15 मॉइस्चराइजर फेस पर अप्लाई कर लिया। काफ़ी अच्छा प्राइमर है। अभी मैं लगा रही हूँ स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। फाउंडेशन या BBCC क्रीम कुछ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैंने कंसीलर लगाया है। और ये 5 मिनट वाला क्विक मेकअप करना है मुझे, और इसके ऊपर मैं लगा लूँगी कॉम्पैक्ट। तो अभी मैं लगा रही हूँ सेटिंग पाउडर, और ये लॉरा मर्सिए का है। फेवरेट ब्राउजर है मेरा, बहुत ही नेचुरल लगता है, इंडियन स्किन टोन पर बहुत ही प्यारा लगता है, और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ब्लश लगा रही हूँ, और ये ब्लश है नर्स कॉस्मेटिक का, और इसका शेड है डॉल्सी वीटा। ये बहुत ही प्यारा सा मॉव टोन शेड है। हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं, हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर है ये, समर हाइलाइटर पैलेट इसका नाम यहाँ पर मेंशन है। बहुत ही प्यारे शेड है इसमें, तो मैं ये वाला शेड लगाने वाली हूँ, और मैं इसे हाथों से लगाऊंगी, फिंगर की हेल्प से। बस इसमें एक ही माइनस पॉइंट है जो मुझे दिखता है, वो ये कि इसमें मिरर नहीं है। कोई नहीं, lastly I'm going to wear my favorite mascara, which is from L'Oreal voluminous lash paradise mascara. Amazing. जल्दी से अपने कर्ल्स दिखा देती हूँ कि किस टाइप से आए हैं ये कर्ल्स। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे, तो ये है एक्सेक्ट कर्ल्स। आपके बालों में वॉल्यूम भी लगता है, मतलब अच्छे आए हैं कर्ल्स। तो सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, बस मैंने ही नहीं किया था, तो अभी मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पोहा। कशिश तुम भी खा लो। नहीं खाना, इसने कॉर्नफ्लेक्स खाए थे एक्चुअली, इसने पोहा इसको इतना पसंद नहीं है। ये है कशिश का आउटफिट ऑफ द डे। उसने पहना है नेट टॉप और अपनी रिप्ड जीन्स एंड एडिडास शूज।
और उसने कौन से हेयर स्टाइल किया? कशिश के बालों में नेचुरल कर्ल है, उसे कभी भी कर्ल करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना अच्छा कर्ल रहते हैं ना उसके बाल, दिखाना कशिश। तो गाइस अभी हम लोग हैं ओला टैक्सी में और एक्चुअली प्रशांत को ऑफिस से पिक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग गाड़ी से निकलेंगे साथ में। हेलो हेलो प्रशांत। हाय। हेलो कशिश। वेयर आर यू? वेयर आर यू? हेलो माय डियर। ओके सनी डे है, प्रॉपर सनी डे, एकदम सन निकला हुआ है। और कशिश मतलब आज कुछ भूलन भी नहीं पहनती ना तो भी चलता, लेकिन थोड़ा सा ये वॉर्म है ठीक लग रहा है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और बताइए, तुम तो मुझे मूवी दिखाने ले जाने वाले थे पद्मावत। बहुत गंदी है सब कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों ने उसके कॉस्ट्यूम की बहुत तारीफ करी है। वो ऑथेंटिकेशन भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उसकी जो ज्वेलरी है, उसके कॉस्ट्यूम है, वो बहुत अमेजिंग है। एक्चुअल में हुआ था वो सब फेक दिखाया। यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत मन था। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में। तो हमारे लिए थोड़ी ना बैंड है, तो मुझे कोई लाइव शो ही दिखाने ले जाओ। आप मुझे बोल रहे थे कॉमेडी शो दिखाने ले जाऊंगा या कोई अमेरिका में लोग रायट करते हैं। तीन चार शोज थे आपके माइंड में, वो क्या उसका क्या प्लान है आपका? अच्छा 14 फरवरी का क्या प्लान है आपका? 14 फरवरी को मैं ऑफिस जाओगे? खाना बनाऊंगा। अच्छा फरिश्तों ने भी खाना बनाया जो तुम बनाओगे वो भी 14 फरवरी को? क्या 14 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करें? सब लोग करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? बस ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे और क्या। खंडाला थोड़ी है। तुम ना बहुत बोरिंग हो। मैं बोरिंग हूँ? हाँ। अच्छा 14 फरवरी वही तो नहीं जो गुलाब गुलाब देना होता है? किसको देना होता है? मतलब जो पसंद हो उसको। तुम किसको देने वाले हो? मेरे पास और कोई? तुम अपनी बेटी को चॉइस है? आज सुबह प्रशांत क्या बात कर रहे थे तुम कि लड़कियों को कभी भी कुछ समझ में नहीं आता उन्हें क्या पहनना है। और नहीं तो क्या उसमें क्या है? आज से हजारों लाखों साल पहले जब एडम एंड ईव थे, जब कपड़े वपड़े नहीं हुआ करते थे, पत्तियां वत्तियां पहनते थे, तब भी जो है लेडीज यही बात करती हैं, मेरे पास तो पत्तियां ही नहीं है डिफरेंट टाइप की पहनने के लिए, मैं क्या पहनूं? आज कौन सी पहनूं? आज कौन सी, आम की पहनूं या बरगद की पहनूं या पीपल की? या पीपल की? अरे ये पीपल की पत्तियां तो बहुत पुरानी हो गई है। हाँ, कुछ नहीं, मेरे पास तो और पत्तियां ही नहीं है पहनने के। आज सुबह मैं बोल रही थी प्रशांत को कि मैं क्या पहनूं यार, मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, तो मुझे बोलते ये तो हर लेडीज की कहानी है, आज से करोड़ों साल पहले भी यही बात थी और आज भी यही बात है लेडीज की। तो गाइज हम लोग आ गए हैं GIP मॉल। यस इसमें ग्लोबस भी दिख रहा है मुझे, और देखते हैं आगे अंदर कौन कौन से। अगर मुझे ना ड्रेस नहीं मिलती तो मुझे एटलीस्ट हील्स खरीदनी है। हील्स खरीदनी है तुम्हें? ड्रेस भी ले लो हील्स भी ले लो। हाँ बट लाइक अगर नहीं मिली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ, या तो मैं ड्रेस भी जाऊँ। नहीं नहीं वेस्ट नहीं होने देंगे तुम्हारा टाइम। एक्चुअली गाइज अभी मैं आपसे, हाँ आप लोगों के काफी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप व्लॉग वीडियोस प्लीज आप व्लॉग वीडियोस बनाया करिए, ज्यादा से ज्यादा व्लॉग वीडियो बनाया करिए। ओ माय गॉड कैसे बनाऊ मैं व्लॉग वीडियो? एक्चुअली पिछले पास्ट 2 वीक से तो कशिश के एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स के चक्कर में मैं इतना ज्यादा बिजी थी, मतलब कशिश बिजी है तो पूरी फैमिली मतलब आसपास सराउंडिंग भी आपकी बिजी हो जाती है, और फिर उसके एक दो पेपर थे जो मुझे तैयार कराने थे उसमें से, तो उसके वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी शूटिंग करने का या व्लॉग बनाने का और एडिटिंग करने का। तो इसलिए आप देख पा रहे होगे कि 15 डेज के अंदर मेरे जो वीडियोस हैं उनकी जो वीडियोस मैंने बहुत कम वीडियोस अपलोड किए हैं इन दिनों, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न की वजह से।
फ्राइडे को कशिश का लास्ट एग्जाम था और आज सैटरडे है, तो बस मैंने सोचा कि अब ये मौका खोना ही नहीं चाहिए, मुझे फटाफट से शॉपिंग जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसके एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं हम लोग कहीं नहीं निकल पाते, और फिर क्या होता है 15 और 20 डेज बाद फिर से एग्जाम्स आ जाते हैं। शादी आ रही है, हम लोगों को पता नहीं होगा शादी आ रही है। हाँ, तो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स में दो दो शादियां भी आ रही हैं, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी थी, और नेक्स्ट वीक है वो दोनों शादियां, तो उसके लिए भी कशिश को अपने लिए कपड़े लेने थे और मुझे भी लेने थे, तो बस इन सब में टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे कि किस तरीके से शॉपिंग करने जाए, तो कल एग्जाम्स खत्म हुए और आज हम लोग निकल लिए शॉपिंग के लिए, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। टॉप अभी मैचिंग का लेना बाकी है, तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। बहुत तेज भूख लग रही है। नाउ आई एम फीलिंग हंग्री। ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है। ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हो आप? कौन सा रेस्टोरेंट? ऑथेंटिक चाइनीज। ये चलो ना पिंक वाल उची, ये तो फिर फूड कोर्ट में खा लेते हैं। इस वाले पे बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची है मेरे कैमरे में। नाइस। हेलो गाइस, आई एम सो टायर्ड, समवन हेल्प मी आउट। मैं इतने बार कपड़े चेंज कर चुकी हूँ ट्राई करने के लिए, मतलब मेरे बाल सारे खराब हो चुके हैं, इतनी बार रिप जीन्स उतार चुकी हूँ कि जो रिप होल्स है ना उसमें मेरे पैर जा रहे थे बार बार। रिप जीन्स में मेरे पैर जा रहे थे बार बार लिटरली। लेकिन तुम्हें अपनी ड्रेसेस मिल गई ना? सारी की सारी, बस अब हील्स बची हैं और ये रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे पर्पल कलर का मेरी आंखों पे। उतार दो। तो कशिश कितना टायर्ड फील कर रही है? नींद आ रही है ना? बहुत ज्यादा, मुझे तो खाने के बाद से ही आ रही थी। हाँ, और पता है मेरा बीच में ही फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो आप लोग मेरी ड्रेस भी नहीं देख पाए। यस, एक्चुअली इसकी ड्रेस की फिटिंग होनी है तो हम लोगों ने वहीं पर डाल दी है, और एक जो एक प्लाजो उसने लिया है वो अपने साथ लेकर आई है वो, लेकिन जो मेन ड्रेस है उसकी फिटिंग होने के लिए टॉप है, फिटिंग होने गई हुई है, तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब ये पहनेगी, दो तीन दिन में वो ठीक होकर आ जाएगी, तो नेक्स्ट वीक चाहिए वैसे भी हमें, तो अभी टाइम है हमारे पास। ओह माय गॉड, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग था, मतलब जब हम लोग लंच करने बैठे थे उसके बाद मेरी बैटरी, प्रशांत के फ़ोन की बैटरी, सबके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, मतलब थोड़ी सी भी, उसके बाद मैं शूटिंग नहीं कर पाई। अभी जब घर आई हूँ तो गाड़ी में चार्ज करते हुए लाई थी फ़ोन को, तो बस घर पर आते ही तुरंत आप लोगों से बात कर पाई, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आई मीन मेरे बालों में जो कर्ल्स हैं वो अच्छे आए हैं, मतलब बहुत हल्के हल्के से, बहुत वॉल्यूम में लग रहे हैं, लेकिन हाँ, बस वॉल्यूम में लग रहे हैं। तुम तो बहुत एक्साइटेड हो आज। गाइस, कशिश अपनी प्लाजो और अपना टॉप पहन कर दिखा रही है। हाँ कशिश, हाँ जल्दी करो।
अभी प्रशांत मुझे ले जा रहे हैं, वीडियो बना रही थी तुम टी डेट पर। तो गाइस प्रशांत मुझे अभी ले जा रहे हैं टी डेट पर। टी डेट पे, हाँ चलो टी डेट पे चलते हैं, सस्ते में, सस्ते वाली डेट, सस्ते टी डेट। टी डेट ठीक है, ओके बाय। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ हमारा, मेरा और प्रशांत का फेवरेट, लेटेस्ट फेवरेट टी कॉर्नर जो हमने नया नया डिस्कवर किया है। हाँ और काफ़ी अच्छा है वो, वहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा पंजाबी म्यूज़िक चल रहा होता है और साथ में वो चाय जो बनाता है वो ऑसम रहती है। तो मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगी। लाइटिंग प्रॉपर नहीं है एक्चुअली, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। थकने के बाद ऐसे चाय मिल जाए मज़ा ही आ जाता है, वो भी बने बनाए। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप दिस व्लॉग एंड नीड टू चेंज माई ड्रेस एंड हैव गुड स्लीप।